तो हरियाणा की सियासत का अगर जिक्र करें तो मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री अपने पद और गोपनीयता की शपथ ले चुके हैं, लेकिन अब बारी टीम मनोहर के साथ साथियों के चयन की, यानी मंत्रिमंडल के गठन की है, उसको विस्तार देने की है। मनोहर लाल की टीम में नए मंत्री कौन होंगे, इस पर मंथन और चिंतन जारी है। चूंकि इस बार सरकार पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी की नहीं है, नई सरकार में भारतीय जनता पार्टी के अलावा जननायक जनता पार्टी और निर्दलीय विधायक भी हैं, लिहाजा नजर इस बात को लेकर है कि किन चेहरों को मंत्रिमंडल में जगह मिलती है। मंत्रिमंडल का गठन करना सबसे बड़ी पार्टी होने के नाते भाजपा के लिए एक इम्तिहान से कम नहीं है। मंत्रियों के चयन के दौरान सहयोगी नाराज ना हो और मंत्रियों का चयन भी तमाम फैक्टर को ध्यान में रखकर किया जाए, इसके लिए मोर्चा भाजपा हाईकमान ने संभाल लिया है। सूत्रों के अनुसार भाजपा के कार्यकारी अध्यक्ष जेपी नड्डा, गृह मंत्री अमित शाह, हरियाणा के प्रभारी डॉक्टर अनिल जैन व सीएम मनोहर लाल के बीच मंत्रिमंडल को लेकर एक बार मंत्रणा भी हो चुकी है। वही सूत्रों के हवाले से मिल रही खबर के मुताबिक 4 नवंबर को हरियाणा विधानसभा सत्र की शुरुआत होगी, जिसके बाद एक कमेटी का गठन किया जाएगा जिसमें बीजेपी और जेजेपी दोनों दलों के नेता शामिल होंगे। ये कमेटी कैबिनेट मंत्री के नामों पर चर्चा करेगी, उसके बाद ही मंत्रिमंडल का विस्तार होगा। इस मंत्रणा के दौरान भाजपा विधायकों की ओर से संभावित मंत्रियों के साथ साथ जेजेपी और निर्दलीय विधायकों की चाहत क्या है, इस पर भी चर्चा हुई है। लेकिन अभी चूंकि अमित शाह महाराष्ट्र में सरकार बनाने के मसले में व्यस्त हैं, इसलिए हरियाणा पर चर्चा एक बार फिर से होगी। फिलहाल मंत्री कौन बनेंगे, इस पर अटकलों का दौर और कयासों का दौर लगातार जारी है। ऐसे में भाजपा हाईकमान के लिए अपनों के साथ साथ जेजेपी और आजाद विधायकों में तालमेल बिठाते हुए मंत्रियों का चयन करना एक बड़ी चुनौती से कम नहीं है। स्पेशल